जी ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। दीप सिद्धू से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जॉइंट सीपी बीके सिंह भी पहुंचे हैं। पुलिस हिरासत के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दीप सिद्धू से हो रही है पूछताछ। और आनंद जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं वो ये कि क्राइम ब्रांच की तरफ से तो पूछताछ चल ही रही है, साथ ही आईबी की टीम भी दीप सिद्धू से कर रही है पूछताछ। स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने क्या बताया, आइए वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दीप सिद्धू ने बताया कि वो 25 नवंबर को पहली बार सिंघू बॉर्डर आया था और वहां दीप सिद्धू अपने खुद के टेंट में रुका। दीप सिद्धू के मुताबिक पहले ही दिन उसने आंदोलन के पक्ष में भाषण दिया। सिर्फ टेंट ही नहीं, दीप सिद्धू ने सिंघू बॉर्डर के आगे एक कमरा भी किराए पर लिया था। भीड़ को भड़काने वाले वीडियो के सवाल पर उसने कहा कि भीड़ के साथ था इसलिए भड़काने की बात की। दीप सिद्धू ने यह भी माना कि वो कई बार लखा सदाना से सिंघू बॉर्डर पर मिला। पूछताछ में दीप सिद्धू बोला कि 26 जनवरी की घटना के बाद डर कर उसने मोबाइल फोन फेंक दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में उसने कहा कि उसने छिपने के लिए दोस्तों से कई बार मदद ली। दीप सिद्धू ने बताया कि दोस्तों के फोन से ही वीडियो बनाकर उसने फेसबुक पर डाले और विदेश में रहने वाले कई दोस्तों से ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड करवाए गए। दीप सिद्धू के मुताबिक कैलिफोर्निया की एक महिला दोस्त ने उसकी बड़ी मदद की। तो ये राज कल की पूछताछ में दीप सिद्धू की तरफ से उगले गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी को ही हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसे पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से किया है गिरफ्तार। इकबाल सिंह पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। तो दीप सिद्धू, उसके बाद इकबाल सिंह की भी गिरफ्तारी। आनंद, इकबाल सिंह से कब पूछताछ? जी देखिए, इकबाल सिंह को भी जो क्राइम ब्रांच है वो अपनी कस्टडी में लेगी, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 41 में जो वांटेड होते हैं उसमें इस पहले पहले गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन क्राइम ब्रांच के पास ही वो मामला है। कोतवाली की जो टीम है वो इकबाल सिंह को भी कस्टडी में लेगी। 50,000 रुपए का इनाम था उसके ऊपर और लाल किला हिंसा का वांटेड था वो, और उससे भी वो पूछताछ करेगी। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा जो लाल किला हिंसा जुड़े आरोपी हैं वो क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस स्पेशल सेल की टीमें पकड़ चुकी हैं और तमाम लोगों से लगातार क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। सबसे अहम किरदार जो था वो दीप सिद्धू का, जो इस समय क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के शिकंजे में है। सेंट्रल एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, वो भी लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जिस आईबी का जो हमने आपको जिक्र करा वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी बीके सिंह है, डीसीपी मोनिका भारद्वाज है और तमाम एसीपी हैं, वो भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद हैं। इस स्पेशल सेल के भी कई एसीपी जो हैं वो इस समय क्राइम ब्रांच के दफ्तर मौजूद है और वो लगातार दीप सिद्धू से पूछताछ कर रहे हैं। जो उसने वीडियो बनाए थे, जो उसने स्पीच दी थी, उनको सामने रखकर, उन्हें दिखाकर दीप सिद्धू से कई सवाल दागे जा रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि आने वाले वक्त में दीप सिद्धू कई ऐसे खुलासे कर सकता है जो किसान आंदोलन की दशा और दिशा को आगे तय कर सकते हैं, क्योंकि दीप सिद्धू लगातार ये दावे करता रहा है कि उसने भड़काने का काम जरूर किया, लेकिन किसान आंदोलन में उसने कई बार किसानों को समझाने, किसानों के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही थी, लेकिन किसानों ने उसके बाद। ठीक है आनंद, लौट रहे आपके पास। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा और तोड़फोड़ की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को 2 दिन में 2 बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें, स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया और एक और आरोपी इकबाल सिंह को भी पंजाब की होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। तो ये 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। शिकंजे में दीप सिद्धू 1,00,000 रुपए का इनामी, मुख्य आरोपी भी दिल्ली हिंसा का। तो वहीं दूसरी तरफ इकबाल सिंह, जिसकी लगातार पुलिस को तलाश थी, उसे होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। इकबाल सिंह से भी पूछताछ होगी, कस्टडी मांगी जाएगी, लेकिन फिलहाल दीप सिद्धू से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और आईबी की टीम भी कर रही है पूछताछ। मैं तो तुम्हें क्या सी उतन कैमरे तैयार रखो, यू डिडंट इवन लिसन। हां, आई गेव यू द हिंट 3 आवर्स बिफोर। मैं कहा भाजी अपने कैमरे तैयार रखो, तुसी मेरी गल सुनते नहीं कि मैं की करा। पर उदे च जड़ी राइटिंग का पार्ट है वो नहीं ना। और इस बीच एक